हेलो फ्रेंड्स, आइए आज समझते हैं डेंटिशन के बारे में। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल के पास क्या होता है, टू सेट्स होते हैं टीथ के इन हिज और हर लाइफ टाइम। ठीक है, तो डेंटिशन के बारे में देखा क्या, टू सेट्स होते हैं टीथ के। तो टू सेट्स का मतलब क्या हुआ, एक होते हैं टेम्परेरी टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। अब आप टेम्परेरी टीथ बोलिए, डेसीडुअस बोलिए, मिल्क टीथ बोलिए, बेबी टीथ बोलिए, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो हमारा क्या हुआ, हर इंडिविजुअल के पास टू सेट्स होते हैं टीथ के, टेम्परेरी हुआ और परमानेंट हुआ। ठीक है, तो 6 मंथ से लेके 6 ईयर के बीच में, ठीक है, जॉ में केवल और केवल कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 6 मंथ में हमारा निकलता है कौन सा, लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, और तब से लेके 6 साल तक जो भी इंसान है उसके जबड़े में, उसके जॉ में केवल और केवल टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 6 साल की उम्र में क्या होता है, पहला परमानेंट मोलर जो होता है वो अपियर है। तो क्योंकि परमानेंट टीथ 6 साल पे आया और उसके पहले तक केवल और केवल कौन से टीथ अब थे, खाली और खाली टेम्परेरी टीथ हमारे जॉ में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें फ्रॉम 11 ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो उस समय कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में, परमानेंट टीथ। ठीक है, तो 6 महीने से लेके 6 साल की उम्र में प्रेजेंट होता है टेम्परेरी टीथ एंड फ्रॉम 11 ईयर ऑनवर्ड्स प्रेजेंट होता है जॉ में केवल और केवल परमानेंट टीथ। तो अब हमारा एक टर्म आया कि जब दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है तो उस चीज़ को हम लोग कह देते हैं मिक्स्ड डेंटिशन। दोनों का मतलब क्या हुआ, परमानेंट टीथ भी प्रेजेंट हैं जॉ में और टेम्परेरी टीथ भी प्रेजेंट है। तो ये जो उम्र होती है ये कौन सा होता है, 6 साल से लेके 11 साल के बीच की जो एज होती है उसमें जो है दोनों टाइप के टीथ जॉ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड डेंटिशन। तो 6 महीने से 6 साल टेम्परेरी टीथ, फ्रॉम 11 ईयर ऑनवर्ड्स परमानेंट टीथ, और 6 ईयर टू 11 ईयर के बीच का जो फेज़ होता है वो मिक्स्ड डेंटिशन का कहलाता है। ठीक है, 2 साल से लेके 6 साल के बीच तक का जो होता है उसमें अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है जॉ में वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में कितने हुए दांत, 5 हुए, एंड 5 × 4 इज इक्वल टू 20, 2 incisor, 1 canine, 0 premolar एंड 2 molar। तो कुल मिला के कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ टीथ, 2 साल से लेके और अप टू 6 ईयर ऑफ एज, जब तक कि हमारा क्या नहीं निकला, परमानेंट मोलर नहीं निकला, तब तक हमारे टीथ हो गए टोटल 20। 6 ईयर ऑफ एज में क्योंकि अब क्या निकल आया है, पहला परमानेंट मोलर जो है वो इरप्ट हुआ। तो अभी तक क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 5 टीथ थे, ठीक है, तो अब क्या हुआ, सारे क्वाड्रेंट में एक एक टीथ और ऐड हुआ। ठीक है, तो 1 tooth इज एडेड इन ऑल 4 quadrant। तो जो टोटल नंबर ऑफ टूथ है अभी तक कितना चल रहा था, 20 चल रहा था, अब 4 और ऐड हो गया तो टोटल कितना हुआ, 24 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, टेम्परेरी टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ। ठीक है, एट 11 ईयर ऑफ एज जो टेम्परेरी कैनाइन होता है वो फॉल करता है एंड एट द सेम टाइम जो परमानेंट कैनाइन होता है वो इरप्ट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है एट 11 ईयर वो कितना बना रहेगा, 24 ही बना रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, जब मिक्स्ड डेंटिशन का फेज़ होता है जो कि होता है 6 ईयर टू 11 ईयर के बीच में, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं जॉ में वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन हम लोग समझ चुके हैं कितना होता है, 6 साल से लेके 11 साल के बीच में होता है। टेम्परेरी टीथ आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। ठीक है, तभी हम लोगों ने क्या कहा कि इंडिविजुअल के पास कितने होते हैं, 2 sets ऑफ टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ झड़ते हैं और उसकी जगह कौन आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा पूरा किसके बारे में जानकारी, डेंटिशन के बारे में। थैंक यू।